हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बेसन की सब्ज़ी, वो भी एकदम आसान तरीके से एकदम कम तेल में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम बेसन ले लिया, बेसन को आप लोग कम बेसी भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच सूखा लाल मिर्च, इसको हम कूट दिए हैं, इसको हम डाल देते हैं। अब यहीं पर डालेंगे अदरक लहसुन खड़गरा मसाला का पेस्ट, इसको हम डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच नमक, और हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम घोल तैयार करेंगे और हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और एकदम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। और देखिए हमारा घोल बनके तैयार हो गया है, आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और देखिए हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे सरसों तेल और तेल को हम गर्म होने देंगे, और देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, अब यहीं पर डालेंगे सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता, जीरा को हम चटकने देंगे। देखिए जीरा चटक गया, अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। और देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया, अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन खड़ा गरम मसाला का पेस्ट और हम मिला देंगे। अब यहीं पर डालेंगे टमाटर का पेस्ट और हम मिला देंगे। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और हम मिला देंगे। अब हम हल्का पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और हम मिला देंगे। और हम गैस को मीडियम रखेंगे और 4 मिनट तक ढक के रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 4 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को हटा देंगे और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें पानी डालेंगे, आप लोग अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिएगा, हम अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डाल रहे हैं, और हम मिला देंगे और हम उबाल आने देंगे। और देखिए हमारा ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे जो बेसन का घोल तैयार किए थे, इसको हम डालेंगे छुलनी की मदद से, और हम गैस का फ्लेम कम रखेंगे और हम सारा ऐसे ही डालेंगे। और देखिए हम सारा डाल दिए हैं, अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब यहीं पर डालेंगे चिकन मसाला और हम मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट तक हम ऐसे ही खोलने देंगे। और देखिए 2 मिनट हो गया है और हम गैस बंद कर देंगे। और देखिए हमारा बेसन का सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।